नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी, और मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी हिया नेजा। और मैं और हिया कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं आप सबके समक्ष रख सकें जो रूटीन वाइज सोसाइटी में हो रहे हैं और जिनसे कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट के सोर्सेज जो हैं देखने को मिल सकते हैं। अगर आज के टॉपिक को लेकर बात करें हिया, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि जी फीमेल फार्मर्स जो हैं वो ग्रो कर सकें और फीमेल फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवांटेज मिल सके ताकि वो कैश क्रॉप की तरफ जा सकें या फिर बिल्कुल। सोसाइटी में एक डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकें। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है जरा बताइए। जी बिल्कुल प्रियंका, अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हाल ही में महिलाओं के लिए, स्पेशली जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेसिफिकली चलाया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल और HDFC बैंक ने ये कोलैबोरेशन में काम किया है। इसमें जितने भी किसान महिलाएं हैं उनको जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो सके, कैश क्रॉप की ओर जैसा आपने मेंशन किया वो सही तरीके से काम हो। इसके चलते हाल ही में कुपवाड़ा में जो है ये कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित करवाया गया, जिसमें उन्हें गाइडेंस भी दी गई, उन्हें प्रॉपर बताया गया कि कैश क्रॉप से किस तरीके का उन्हें फायदा हो सकता है। अगर वो पर्टिकुलर कोई फार्मिंग कर रही हैं तो उसमें कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो इसके बारे में पूरा आइडिया जो है वो दिया। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, तो आप अंदाजा अगर लगाएं तो A to Z हर एक चीज जो है वो फार्मिंग के रिलेटेड सारी उसमें मेंशन की, और सब कुछ जो है इसी तरीके से उनको समझाया। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक तो आप किसान वर्ग को देख लें, वैसे ही उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो आए दिन सामने आती है। कोविड पेंडेमिक में उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, देन कहीं ना कहीं कंप्लेन्स उनकी रहती है कि जो जिस रेट पे गवर्नमेंट उनसे सामान लेती है उस रेट में उनका उनको अपनी कॉस्ट ही पूरी नहीं पड़ती। और फिर महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट पे भी जो है फोकस किया गया, जितनी भी महिलाएं किसान हैं उनको गाइड किया गया कि वो किस तरीके से आगे आए और क्या किस तरीके से काम करे, कौन से क्रॉप से उन्हें फायदा होगा, कहाँ से वो मुनाफा जो है वो कमा सकती हैं, इसके बारे में पूरी गाइडेंस दी। जी बिल्कुल हिया, देखो आपने बताया कि कुपवाड़ा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया जाएगा और बहुत से संगठन इसके साथ जुड़े हैं, जी क्योंकि जब कुछ लोग इनिशिएटिव लेके सामने आते हैं तो जो लोग ऑलरेडी किसी एडवांटेज के लिए किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए एक बेनिफिट जो है ये साबित जरूर हो सकता है। कैश क्रॉप का आपने जिक्र किया, देखा जाए तो पिछले 2 सालों से भी बहुत से लोग जो हैं इन दिनों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी मेल्स ही फार्मिंग कर रहे हैं, फीमेल भी फार्मिंग में अपना हाथ आजमा रही हैं जी और कैश क्रॉप की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा जो योगदान है वो कर रहे हैं। चाहे वो फ्लोरिकल्चर की आप बात कर लो, जी चाहे आप हॉर्टिकल्चर से बात कर लो, इन दोनों में फीमेल जो है अपना हाथ आजमा रही है। और कश्मीर में अगर मैं जिक्र करूँ तो कश्मीर की महिलाएं जो हैं वो जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से फार्मिंग में ग्रो कर रही हैं वैसे ही बाकी सारे सेक्टर्स में भी एक्सेल जो बिल्कुल है वो कर रही हैं। इस पूरी प्रोग्राम की वजह से, इस पूरे अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक अपलिफ्टमेंट तो होगी कि वे जी लोग समझ पाएंगे किस तरीके से करना है हर काम, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्हें ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हर महीने प्रोवाइड किए जाएं ताकि बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स जो हैं, क्योंकि अगर यंग फीमेल्स की मैं बात करूं, अगर वो अभी से, क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू में बहुत से, कश्मीर में बहुत से एंटरप्रेन्योर जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, अगर हर महीने इस तरीके की या हर 3 महीने में क्वार्टरली अगर इस तरीके की एक्टिविटीज जी होंगी, तो आपको नहीं लगता कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं फार्मिंग में एक बार फिर से? जी बिल्कुल प्रियंका, बहुत सही पॉइंट जो है वो आपने आगे रखा, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर इसी तरीके के अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हर एक को हेल्प होगी एंड एक फ्लो उनका भी बना रहेगा किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई। जैसे कैश क्रॉप्स वगैरह की बात करें तो हाल ही में स्ट्रॉबेरी, लेवेंडर, इनको लेके बहुत अवेयरनेस क्रिएट करवाई गई कि जम्मू कश्मीर में एक तो एक ग्रो भी अच्छे से की जा सकती है और इनसे मुनाफा भी अच्छा होगा। तो ऐसी टाइम टू टाइम अपडेटेड गाइडेंस जो है लोगों को मिलती रहे, किसानों को मिलती रहे, तो उनको भी फायदा होगा, डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर की, अलग विमेन एम्पावरमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर्स में फायदा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रहिया, आपने ठीक फरमाया है कि अगर इस तरीके के प्रोग्राम्स क्वार्टरली भी ऑर्गेनाइज होते हैं तो ना सिर्फ कैश क्रॉप्स बल्कि हर एक सेक्टर में जो है जी इसका बेनिफिट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अब सिर्फ देखने वाली बात यह है कि कितने लोग जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा जी लेते हैं, और लोगों से भी हम यही कहेंगे कि आप लोग इस पूरी जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसका हिस्सा बने, इसमें पार्टिसिपेट करें और जो इंफॉर्मेटिव जो चीजें हैं उन्हें जरूर ग्रैस्प करने की और कोशिश करें। कोई आपके पर नोन हाल है तो बहुत उनको मशहूर भी इनके जी बारे में बताएं। बिल्कुल, और क्योंकि अवेयरनेस का कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम है उसका मकसद सिर्फ जी इतना नहीं है कि आप तक इन्फॉर्मेशन रहे, ये पास ऑन होती रहे तो ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिया इस
अपडेट पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। ऐसी कुछ और दिलचस्प अपडेट लेकर मैं और प्रिया नेजा आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। अभी के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, बने रहिए जेके न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।